खरगोन जिले में अहिल्या उत्सव समिति द्वारा नौ दिनी महोत्सव के तहत शाम स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान से पेशवाई ठाट से पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शाम करीब 4 बजे सुसज्जित पालकी में विराजित मातोश्री की प्रतिमा के दर्शन एवं पूजन अर्चन के लिए रास्ते भर लोग कतारबद्ध नजर आए। विधायक रवि जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार सहित समाज सेवियों, जन प्रतिनिधियों ने पूजन अर्चन कर मातोश्री का आशीर्वाद लिया और यात्रा में शामिल हुए। अहिल्याबाई की वेशभूषा में पालकी के आगे आगे अश्व पर सवार होकर चल रही बालिका आकर्षण का केंद्र रही। इस पालकी यात्रा में स्काउट गाइड दल, एनसीसी कैडेट, रेड क्रॉस सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र छात्राओं ने शामिल होकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। यात्रा पोस्ट ऑफिस चौराहा, सराफा बाजार, किला गेट होते हुए कुंदा तट स्थित अहिल्या घाट पर पहुंची। यहां विशेष पूजन अर्चना और महाआरती के पश्चात पालकी यात्रा का समापन हुआ। समिति के अध्यक्ष अनिल कोंकड़े द्वारा बताया गया है कि देवी श्री की पुण्यतिथि महोत्सव के तहत 5 सितंबर से विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं धार्मिक आयोजन कराए गए, जिसमें चित्रकला, भाषण, निबंध प्रतियोगिता, काला देवल मार्ग स्थित श्री मलहरी मार्तंड की पूजा अर्चना, महिलाओं को हल्दी कुमकुम, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। मासा की 228वीं पुण्यतिथि के अवसर पर खरगोन में अहिल्या उत्सव कमेटी द्वारा भव्य शोभा यात्रा, पालकी यात्रा निकाली जा रही है। अभी ये जो शोभा यात्रा आज़ादी के पूर्व से यहाँ पर निकाली जा रही है और हम इस कमेटी के माध्यम से अहिल्या मासा ने जो नारी शक्ति के लिए जो काम किया है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से इस पालकी यात्रा का निकालने का उद्देश्य है। ये पालकी यात्रा उत्कर्ष विद्यालय, देवी उत्कर्ष विद्यालय से निकलती हुई सराफा बाजार होते हुए प्रमुख मार्गों से होती हुई सिद्धनाथ मंदिर होते हुए गणेश मंदिर, महाकाल मंदिर में समापन होगा। इसका नाम है अनिल कोपणे, अहिल्या उत्सव कमेटी अध्यक्ष, खरगोन। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।